Hi everyone, मैं कृषिका खत्री फ्रॉम आई टी इंदौर एंड वेलकम टू अ ब्यूटिफुल संडे इन माई लाइफ। तो आज मैं सुबह ब्रेकफास्ट करने तो नहीं गई क्योंकि आज बना था डोसा, मुझे पसंद नहीं है वो, प्लस मैं थोड़ी लेट भी हो गई थी। तो अभी चलते हैं पोहा खाने, यार भूख लग रही है। और एक्चुअली पोहा यहाँ का मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट है क्योंकि पोहा अच्छा ही होता है, बढ़िया होता है। तो मैं पोहा यहाँ पे दो जगह खाती हूँ, एक सेकेंड पोहा मिलता है उधर और एक, ओह ये तो बंद है, ओह शिट, वहीं चलते हैं। भैया पोहा है क्या? पोहा आज नहीं है, और क्या हो जाएगा? पराठे हो जाएंगे, पनीर के अंडे हो जाएंगे, रेड ऑमलेट कर दो एक। हाँ तो यार ये है द विलेज कैफ़े, और जब वो दूसरा कैफ़े होता है बंद तो मैं यहाँ पे आके पोहा खाती हूँ, और आज यहाँ भी पोहा नहीं था तो मैंने ये बढ़िया ब्रेड ऑमलेट दिखा लिया। तो अब चलते हैं वहाँ पे इस रूम, और यार ये IIT के कुत्ते तो बहुत ही बढ़िया मेंटोस ज़िंदगी जी रहे हैं यार। भाई शाम को जाती है ठंड, तो इसके लिए ये स्पेयर जैकेट मैं हमेशा रखती हूँ अपने साथ में, टोपी मैं आज रखती हूँ सबसे जरूरी चीज़। तो आप लोगों को ये वाली बिल्डिंग मैं फ़र्स्ट टाइम ही दिखा रही हूँ, ये गर्ल्स हॉस्टल के जस्ट पीछे ही है, और यहाँ पे एक जनरल स्टोर है और फ्रेश फ्रूट्स मिलते हैं यहाँ पे, और इधर है ये कैनरा बैंक और ATM, और इसके ऊपर यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे स्पीड पोस्ट फैसिलिटी अवेलेबल है और एक ब्यूटी पार्लर है, जहाँ तक मैं कभी आई नहीं क्योंकि हमारे हॉस्टल में ऑलरेडी एक ब्यूटी पार्लर है तो कभी यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और इसके जस्ट साथ में है ये मेन्स सैलून, और ऑफकोर्स मैंने बाहर से ही शूट किया है इसको। तो अगर आपको भी एक दिन ऐसे ही आके IIT के कैंपस में एंजॉय करना है तो अपना JEE का दूसरा अटेम्प्ट और JEE एडवांस का एग्जाम जो अभी आने वाला है उसको बहुत सीरियसली देना, और अगर आपको किसी क्रैश कोर्स की ज़रूरत है या कोई बैचेस चाहिए आपको तो यू कैन कंसिडर टू बाय द फिजिक्स वाला कोर्सेज, और अभी यहाँ पे दो बैच अवेलेबल है। तो इसमें फर्स्ट बैच है द JEE अल्टीमेट क्रैश कोर्स 2.0 फॉर ₹1499, एंड द नेक्स्ट बैच इज करुण JEE एडवांस फॉर ₹499। और इन सभी बैच में आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स, और एक वीक में 6 दिन क्लासेस होंगी आपकी, और आपको हर दिन 3 रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे, आपको हर क्लास के PDF नोट्स मिल जाएंगे ऑन फिजिक्स वाला ऐप, और उसके साथ में आपको मिलेंगे DVPs और उनके वीडियो सॉल्यूशंस, और आपके टेस्ट भी रेगुलरली होते रहेंगे। एंड यू कैन ऑल्सो यूज द JEE बुक्स अवेलेबल ऑन द फिजिक्स वाला स्टोर विच कंसिस्ट ऑफ द लास्ट 5 ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ऑल्सो आप मेरा एक कूपन कोड यूज कर सकते हो टू गेट एडिशनल डिस्काउंट्स। तो यार आज संडे है तो यहाँ पे अच्छा खाना ही मिलता है। पहले थे ये चिप्स जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, उसके साथ में चावल छोले और ये नमकीन छाछ। जनरली रोज़ का रूटीन यही रहता है कि उठे, लैब, मेस, जिम, फिर लैब, खाना और सो जाना, और आज मैं सोच रही हूँ कि जिम हो आती हूँ। और अभी यहाँ पे IIT इंदौर का स्पोर्ट्स इवेंट चल रहा है जो 3 डेज़ का था, और उसका आखिरी दिन है आज, तो वो आपको चल के दिखाती हूँ। मैं अभी बहुत अच्छे अच्छे इंटरेस्टिंग गेम्स खिला रहे हैं वहाँ पर वो, और अभी चलते हैं जिम। ओ बाय द वे, ये एक चीज़ देखो, IIT में लिखा है ड्राई टेस्ट, इसका मीनिंग क्या है मेरे को समझा दो, किसी को समझ में आया है तो। यहाँ पे भी वेट वेस्ट, ये वाली लिफ्ट की वही पहले बड़ी स्लो थी, अब पता नहीं कैसे ये सुपर फास्ट हो चुकी है, इसका दरवाज़ा ही बड़ी तेज़ खुलने लग गया। नाइस, आई लाइक इट।
चल रही है गेम्स, आएंगे शाम को, देखते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे। तो मैं आ चुकी हूँ रूम और अभी जाना है जिम, पर थोड़ी सी भूख लग रही है तो उसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। ये हैं कुछ लड्डू जो मैं घर से लेके आई थी, अभी थोड़े से ही बचे हैं ये, बट ठीक है, काफ़ी फुलफिलिंग होते हैं तो यही खा के अपना पेट भरते हैं अभी। तो ये है पूरा इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और यहाँ पे स्पोर्ट्स इवेंट जो है आईआईटी इंदौर का वो चल रहा है। यहाँ पे वॉलीबॉल बास्केटबॉल मैचेस चलते हैं, अभी ये सब टीम्स यहाँ खड़ी हुई हैं, मैच होने वाला होगा आई थिंक। और यहाँ पे मेन ग्राउंड में भी कोई मैचेस चल रहे हैं। और ये इन्होंने लगा दिया डोमिनोज यार, ये रहा जिम और ये रहा डोमिनोज। तो पहले जिम चलते हैं फिर देखते हैं डोमिनोज से कुछ खाना है कि नहीं खाना है। थैंकफुली आज जिम में इतनी भीड़ नहीं थी जो जनरली हो जाती है, तो अभी पहले यहाँ थोड़ी स्ट्रेचिंग कर लेते हैं और फिर शुरू करते हैं अपना फुल बॉडी मिक्स वर्कआउट। हमने डिसाइड किया कि आज हम मिस का खाना नहीं खाएंगे और हम खाएंगे पिज्ज़ा। अभी आज अब डोमिनोज कैंपस में आया ही हुआ है तो मिस का खाना कौन ही खाएगा यार। तो हमने लिया एक फार्म हाउस पिज्ज़ा और ये नॉन वेज लोडेड पिज्ज़ा, जिससे मुझे कुछ लोडेड तो दिखा नहीं, लेकिन ठीक है यार मिस के खाने से अच्छा तो कुछ भी खिला दो। तो अब थोड़ा काम वाम भी कर लेते हैं यार, फिर चलते हैं अपने रूम विश्राम करने।